गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कोरोना वायरस के बारे में तो भरपूर जानकारी हम सबके पास है, आज इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि जब भी कोई अच्छा काम होना होता है, जब भी कोई बड़ी उपलब्धि मानवता को मिलने वाली होती है, तो उससे पहले कोई ना कोई छोटी उलझन परेशानी आती है। तो शायद ये कोरोना वायरस भी वही है। वो इसलिए क्योंकि आज पूरा विश्व एक है, पूरा विश्व एक होकर लड़ाई लड़ रहा है वायरस के साथ, नेचर के साथ मैं कहूँगा लड़ाई लड़ रहा है। आज तक तो हम लड़ाई आपस में लड़ते थे, दूसरी सोसाइटी के साथ लड़ते थे, दूसरे देश के साथ लड़ते थे, और आज तो लड़ाई बाकी सब लड़ाइयाँ छोटी लगने लगी हैं जो हमारी लड़ाइयाँ पहले होती थी। तो क्या ये नेचर के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको हम जीत पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। लड़ने से कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, खासकर नेचर से, नेचर जिसने हमें बनाया है, जिसके हम बने हुए हैं। पर घबराने की बात नहीं है, हम जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? लड़कर नहीं, प्यार से। और नेचर से प्यार करने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है कि आप अपने आप से प्यार करो। सारी की सारी जो दुनिया की नेचर है वो हमारे अंदर भी है। अगर हम इस बात को जान लें, अपने आप से प्यार करना शुरू करें, तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि पूरी मानवता एकजुट हो गई है, पर अफसोस की बात यह है कि इंसान खुद एक नहीं है। उसकी खुद की इतनी सारी डिवीज़न हो रखी हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन इंसान करता कुछ है। उस डिवीज़न में जो असली खुशी है वो शायद कभी नहीं मिल पाई है। आप अपने घर पे बैठे हो, ऑफिस का काम घर से कर रहे हो, या किसी भी कारण आज आपको ऐसे अवसर मिल रहे हैं जिसमें आप अपने साथ समय बिता सकते हो। अपने साथ समय बिताकर सोचिए कि क्या आपका दिल, दिमाग, सोच सब एक है? आज सब कुछ रुक गया है। एक मौका है हम सबके लिए इंट्रोस्पेक्शन का, इस रुकी हुई, थमी हुई जिंदगी में अपने आप को जानने का। क्या पैदा होकर, स्कूल जाकर, शादी होने के बाद अच्छा बिजनेस कर लेना या दुनिया घूम लेना यही जीवन है? एक दिन हर इंसान पैदा होने के बाद मर जाता है, तो क्या यही लाइफ साइकिल है? इस लाइफ साइकिल में शायद इससे भी बड़ी कोई चीज़ है जो कुदरत ने हमें बताने की कोशिश की है इस समय। आप अपने साथ बैठिए, अपने साथ बैठकर अपने शरीर के एक एक अंग के साथ बात करिए, जो कि बिना किसी नीड के, बिना किसी शिकायत के आपकी हर बात को मानते हैं। आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें आपके साथ चलते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम उनका धन्यवाद करें। ये मौका है कंपैशन का, और इस मौके पे जो भी ख्यालात आपके मन में आए उसको नोट करिए। शायद आपके जीवन में एक टेम्परेरी बदलाव आएगा, और उसको परमानेंट करने के लिए जब आप नोट कर लेंगे तो आप उसको दोबारा पढ़िए, क्योंकि कल सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर से आप बिजनेस में ग्रो करेंगे, बहुत पैसा, खूब पैसा, नाम, शोहरत फिर से कमाएंगे। तो इस समय जो माहौल है, रुके हुए माहौल में कोशिश करिए अपने आप को जानने की। शायद ये सब कुछ इसी कारण हुआ है कि इस दुनिया की एक अनमोल लाइफ हम लोगों को मिली है, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए कुदरत ने हमें अपने आप को जानने के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। कितने ताज्जुब की बात है ना कि आज हम अपनी मर्जी से अपने ही घर में कैद होकर बैठ गए हैं, पर ये कैद हमें एक ऐसी आज़ादी दिला सकती है, एक ऐसी खुशी परमानेंट दे सकती है जो हमने कभी सोची भी ना हो। इस मौके पर आप मेडिटेशन करिए, गाने गाइए, चुटकुले सुनाइए, अपने अंदर छुपी हुई जो असली खुशी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। अभी तो हम बहुत समय आर्टिफिशियल हंसी ही हंस रहे हैं। 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालिए, एकांत में बैठिए, अपनी आती जाती हुई सांसों को देखने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस दुनिया में, ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसे दूसरों को खुशी मिले। उससे जो खुशी आपको मिलेगी वो खुशी परमानेंट होगी, सदा के लिए होगी। मुझे लगता है इस अवसर को एक सुनहरी अवसर समझकर आप अपने जीवन में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं। यही मेरी इच्छा है। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।